देखिए पावर पॉइंट में हम कोई भी चार्ट ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारे एक तो होते हैं चार्ट, जो इंसर्ट से हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चार्ट होते हैं ये एक साथ प्रेजेंट होंगे प्रेजेंटेशन के समय में, यानी वैल्यू को दर्शाएंगे, लेकिन हम इंक्रीमेंट के साथ में चाहते हैं अलग अलग रेशियो के अनुसार प्रेजेंट करें वैल्यू को। चाहे आप पाई चार्ट की जगह यदि इंसर्ट से कॉलम चार्ट भी लेते हैं, तो ये चार्ट ऐसा चार्ट होता है जो एक साथ पूरे कॉलम और डेटा के साथ में रिप्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तब हमें चाहिए कि एक एक पॉइंट आए, तब आप इन चार्ट को चाहे तो यही चार्ट, एक चार्ट तो ये होता है कि इसी चार्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं और इस पर भी जो है कि एनिमेशन वगैरह डाल सकते हैं। नहीं ये तो नहीं होगा, एडिट डेटा ही होगा इसका, इसका कलर वगैरह ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार का चार्ट मैं इसको लेता हूं, हम इस प्रकार का चार्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इंसर्ट से ऑटो शेप में जाते हैं और कुछ शेप इंसर्ट करते हैं, इस प्रकार के कॉलम खड़े करते हैं, और इन कॉलम की वैल्यू भी हम टाइप कर देंगे। तो हम कुछ कॉलम यहाँ पर ले लेते हैं, कंट्रोल डी से मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ये कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं, फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, ध्यान। अब हम इन चार्ट इन कॉलम्स पर या जो सेल्स हमने लिए हैं इनके ऊपर इफेक्ट डिजाइन करते हैं एनिमेशन से, कस्टम एनिमेशन में, वही एड इफेक्ट में जाएंगे, इंट्रेंस में जाएंगे, और हमने जो फ्लाइन लिया था इसको हम लेंगे। तो इस प्रकार के इफेक्ट के लेने से ये कॉलम हमारे सामने रिप्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ पर सभी पर इस प्रकार का इफेक्ट ऐड करते जाते हैं। तो जब आप प्रेजेंटेशन के समय में इसे आप प्रेजेंट करेंगे, हमें करंट को ही चलाना था, ये कॉलम आते जाएंगे, ठीक है। अभी हमने ऑटो सेट कर रखा है, ऑन क्लिक किए, लेकिन ऑन क्लिक के साथ में हमने ऑटोमेटिक ऑप्टर लगा रखा था, तो इसको चेक हटा देंगे। और जो कॉलम से या ऑटो सेट हमने लिए हैं उनकी तो फॉर्मेटिंग भी हम यहां से कर देते हैं। इनमें चाहे तो आप 3D इफेक्ट सेट कर दीजिए और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट कलर भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इन पर वैल्यूज भी ऐड हो, तो राइट क्लिक करिए और यहीं पे मिलेगा आपको ऐड टेक्स्ट, इस ऐड टेक्स्ट में जाकर के आप इनकी वैल्यू को डाल दीजिए। माना कि ये कॉलम है 2014 से लेना चाह रहे हैं हम, इस प्रकार से 2014 एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, 2015 फिर एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, 2016 फिर जाएंगे, 2017, 2018 और 2019 ये हम देंगे।
हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर चाहिए तो एक साथ हम कलर ऐड इसमें नहीं करते। अब हम इसके साथ में ही जो है कि प्रोडक्ट भी दर्शाना चाहते हैं, तो इसमें इंसर्ट टेक्स्ट से आप इनके प्रोडक्ट भी ऐड करते जाइए, कौन कौन से प्रोडक्ट थे और क्या उनका रेशो रहा, या जैसे जनसंख्या कब थी। हालांकि फिर आपको अलग अलग दर्शाना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट कॉलम से, एक सेशन के जैसे 2014 में कितना सेल रहा, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है तो वो दर्शाना पड़ेगा। एक जैसे ही प्रोडक्ट है, जैसे हम कंप्यूटर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम फिर एक ही टेक्स्ट लेंगे और इस टेक्स्ट को चाहे तो आप रोटेट वगैरह भी कर पाएंगे। ठीक है, इनके ऊपर भी एनिमेशन हम ऐड कर सकते हैं उसमें उसी प्रकार के, लेकिन इसका नंबर आया है 7, तो 7 ना रखते हुए इसको हमें रखना पड़ेगा 2 के लोकेशन में, तो हम यहाँ से मूव कर सकते हैं प्रत्येक का। यदि आपने इस प्रकार रखा है तो इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट आप डालिए, इफेक्ट हमें वही डालना होगा ताकि थोड़ा सा वो रोचक लगे, और उसका नंबरिंग करना होगा 1, 2, 3। हालांकि यहाँ पर 2 जो कॉलम आ रहा है वो 2014 का रखना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर भी एनिमेशन ऐड करेंगे और इसको नंबर रखेंगे हम 2, तो ये ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा। यानी जो हमारा ये ऑटोमेटिक टाइम इसमें सेट हो गया है, हमें सबको ऑन क्लिक करना पड़ेगा इसमें। आप जब न्यू प्रेजेंटेशन लेंगे तो उसमें समस्या नहीं आएगी आपके साथ में, क्योंकि इसमें ये तो मैंने करके देख, हो सकता हमने डुप्लीकेट बना लिया तो उसने सारे इफेक्ट को भी उसी कारण से एक जैसा कर दिया है। अब कॉपी पेस्ट कर लेना, जब कॉलम आप बना रहे हो तो उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना, मुझे लगता है यही कारण रहा कि उसने एक जैसे शेड्यूल कर दिया।
फिर सिर्फ हम क्रिएट करते हैं। शायद हमें इसका इफेक्ट चेंज करना पड़ेगा, इफेक्ट ऑटोमेटिक ही है, हम और दूसरे कोई से इफेक्ट इसमें देख लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं मूवमेंट इस प्रकार की, और नहीं लगे यदि कम समय में आप इसको डिजाइन करना चाहते हैं तो पहले एक कॉलम बना लीजिए, इसके ऊपर दूसरा टेक्स्ट असाइन कर लीजिए, ठीक है, और टेक्स्ट के बाद ही इस टेक्स्ट को चाहे तुम कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट यूज कर ले, एक और टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पर तीनों पर एक के बाद एक इफेक्ट ऐड कर देंगे तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट हो जाएगा। इसको भी हम फास्ट कर देंगे तो जो स्लो आ रहा है फास्ट हो जाएगा, साथ ही साथ का डेटा टेक्स्ट है ना। हम चाहे तो ईयर को पहले ले सकते हैं, इसके बाद टेक्स्ट को ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या करना कि इसका डुप्लीकेट बनाना, ऐसा डुप्लीकेट बनाने के बाद बस एडिट करते आना और कलर चेंज कर देना। तो इससे ये होगा कि हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन के समय जब प्रेजेंट करेंगे तो इफेक्ट वगैरह हम एक पे ही डालेंगे, थोड़ा इसका स्लो है, इसको भी हमें फास्ट करना है, ये देखिए है ना, इसका इफेक्ट आ जाएगा। तो सभी के ऑटोमेटिक कॉलम पर जो इफेक्ट हम बार बार डालना पड़ रहा था वो अब हमने नहीं डालना पड़ेगा, एक की पूरी फॉर्मेटिंग करने के बाद बाकी का एडिट कर दीजिए। ये 2013 का आता है, ठीक है। तो आप चाहें तो एनिमेटेड ग्राफिकल चार्ट तैयार कर सकते हैं और इन कॉलम्स की भी फॉर्मेटिंग थोड़ा और अच्छे अपसेट कर देंगे, जैसे हम इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसमें सेफ स्टाइल में यहाँ पर 3D इफेक्ट ले लेते हैं, ये 3D स्टाइल में आएगा, ठीक है। 3D के साथ में ही उसमें भी कलर वगैरह यदि 3D रोटेशन में लेंगे या 3D रोटेशन ऑप्शन ये मिल जाएगा, यहाँ से भी आप उसको जैसा चाहें ऐसा सेट कर दीजिए, उसमें टेक्सचुअल पैटर्न वगैरह भी चाहे तो डाल सकते हैं।
टेक्स्ट का भी आप थोड़ा सा इफेक्टिव उसको टेक्स्ट को कर देंगे तो वो भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है और तब आप रील्स प्रेजेंट करेंगे तो एक अलग प्रभाव जचेगा उसका, जमेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के चार्ट वगैरह आप इसमें तैयार कर सकते हैं और उनके माध्यम से अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके बाद हमारा जो मेन्यू चल रहा था उसमें हम देखे तो स्लाइड शो था फ्रॉम बिगनिंग में, जहां से हमें स्टार्ट करना है, शायद ये ऑप्शन हमारे हो चुके थे। करंट स्लाइड में करंट स्लाइड का प्रेजेंटेशन ये दिखाएगा। कस्टम शो में जो हम निर्धारित करेंगे किन किन स्लाइड का हमें प्रेजेंटेशन देना है ना। प्रेजेंटेशन में यदि कोई स्लाइड का प्रेजेंटेशन आपको नहीं देना है, छिपाना है यदि, तो वो भी आप कर सकते हैं। उस स्लाइड को आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पर मिलेगा हाइड स्लाइड, तो यहाँ पे ये सिंबल लग जाएगा, देखिए क्रॉस आ रहा है इसमें, यानी प्रेजेंटेशन के समय में स्लाइड नंबर फर्स्ट आएगा, सेकंड नहीं आएगा, थर्ड फोर्थ आएगा, ठीक है। तो ये आप डाल सकते हैं। रिकॉर्ड नरेशन वाला ऑप्शन हमारा चैप्टर हो गया था। रिव्यू में भी वही है हमारा जो वर्ड में था, स्पेलिंग, ग्रामर, रिसर्च, प्रोटेक्शन, कमेंट, ठीक है। व्यू के अंतर्गत कुछ ऑप्शंस हैं इसमें, जैसे नॉर्मल प्रेजेंट नॉर्मल है तो नॉर्मल साइड व्यू में दिखाई दे रहा है। स्लाइड सॉर्टर में आपको पूरे प्रेजेंटेशन को इस प्रकार के शॉर्ट रूप में देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और बेनिफिट मिलेगा कि आपको कोई स्लाइड मैनेज करना है, यानी जैसे हमें सेकंड स्लाइड को फर्स्ट कॉलम में ले जाना है तो इसको आप यहाँ से मूव भी कर पाते हैं। ये फर्स्ट ईयर आ गया है और सेकंड इधर आ गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप स्लाइड को एक्सचेंज कर सकते हैं। नोट पेज आता है, हम प्रेजेंटेशन देते समय यदि उस कंटेंट या डेटा के बारे में कुछ डेटा कंटेंट जो बोलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, तो हम यहाँ पे नोट पेज के अंतर्गत उनको लिख करके रख सकते हैं, ताकि प्रेजेंटेशन के समय में हम पॉइंट को देख लें और हमारा प्रेजेंटेशन आगे कंटिन्यू कर पाए। जो भी कंटेंट्स हमारा रहेगा वो हम यहाँ पर लिख पाएंगे, तो ये कहलाता है नोट पेज। स्लाइड शो में स्लाइड शो यहाँ से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर, तो स्लाइड मास्टर में जो नॉर्मल स्लाइड होती है उसके अपेक्षा ये मास्टर स्लाइड आती हैं। मास्टर स्लाइड में बेनिफिट ये है कि इनके लेवल्स वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह आपको प्री डिफाइन मिलेगी, हेडर, फुटर, पेज नंबर, डेट, स्टाइल, डिजाइनिंग सब प्री डिफाइन मिलेगी, उनके हिसाब से आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये कहलाता है मास्टर स्लाइड। हैंडआउट, हैंडआउट हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन के पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो अपने ऑडियंस हैं उनको ये पता चल जाए कि हमारा प्रेजेंटेशन किस पे होना है, तो हम पूरे प्रेजेंटेशन की छोटी छोटी स्लिप निकाल के, प्रिंट निकाल करके अपने ऑडियंस के बीच में उनको वितरित कर दें, ताकि ऑडियंस एक बार उसका रिव्यू प्रो थोड़ा सा पढ़ ले, समझ ले, ताकि उनको अच्छे से प्रेजेंटेशन हमारा समझ में आए, तो वो कहलाते हैं हमारे हैंडआउट या ऑडियंस नोट भी इनको कहते हैं। हाँ, इसमें हम 6-3 के आधार पर निकाल सकते हैं, प्रिंट निकल जाएगी। नोट मास्टर में मास्टर स्लाइड में नोट लिख सकते हैं, सिंपल स्लाइड में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन मास्टर स्लाइड यदि हमने बनाई है तो मास्टर स्लाइड में कुछ ऐड कर सकते हैं, ताकि हम प्रेजेंटेशन के समय यदि भूल जाते, कंटेंट छूट जाता है हमारा, तो हम यहाँ से ऐड करके उनको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और फिर हमारे प्रेजेंटेशन को हम कंटिन्यू रख सकते हैं। रूलर को शो कर पाएंगे, ग्रिड लाइन को, ये इस प्रकार की लाइन जिसे प्रेजेंटेशन में डिजाइनिंग करते समय हमें एक से अधिक, एक जैसी यदि स्लाइड्स हैं, सॉरी स्टोरीज हैं, तो इन स्टोरी को मैनेज कर सकते हैं। जैसे शुभम और एकेडमी दोनों को एक बराबर साइज में लिखना है, या और भी कोई स्टोरी आपने बनाई है तो यहाँ से आप उनको बराबर मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, झूम साइज बढ़ा सकते हैं, इससे बड़ा कर सकते हैं इसका स्लाइड का व्यू, और फिट टू विंडो ही ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें पूरा व्यू हमारे सामने होता है। कभी कभी कोई स्लाइड को आपको कलर की अपेक्षा ग्रे स्केल करना है तो ग्रे स्केल कर सकते हैं, और यदि ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन रहेगा व्यू के अंतर्गत, ये प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें ग्रे स्केल का मैटर बात खत्म हो जाती है। ठीक है,
कभी-कभी ऐसी आवश्यकता होती है, बाकी ग्राफिकली जितना अच्छा रहेगा उस प्रेजेंटेशन का प्रभाव कुछ अलग ही रहता है। ये न्यू विंडो, अरेंज विंडो, ये वर्ड वाले ही हैं, मैक्रोस वगैरह जो हमने वर्ड में देखे थे, तो यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करके आप उनकी रख सकते हैं। मैक्रोस के टूल्स यहाँ पर हैं जिनके माध्यम से आप कोई फॉर्म वगैरह या वीबी कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं।